भारत को कुलभूषण जाधव मामले पर बड़ी सफलता मिली है। जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कुलभूषण पर पाकिस्तानी कोर्ट ने जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। कश्मीर के शोपियां में एक आर्मी अफसर का शव बरामद हुआ है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज पैरी को मंगलवार रात को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था, जिसके बाद अब शोपियां जिले की हरमैन चौक से उनका शव मिला है। उमर फयाज के शरीर पर गोलियों के निशान भी हैं। आज नीति आयोग की टीम लखनऊ आएगी और सूबे में विकास की अहम योजनाओं पर चर्चा करेगी। सुबह 10:30 बजे नीति आयोग की बैठक होगी। दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन माने जाने वाले दिल्ली मेट्रो में सफर अब महंगा हो गया है। नया किराया आज से लागू होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने करीब 8 साल बाद सोमवार को किराया बढ़ाने पर मोहर लगाई थी। इससे न्यूनतम किराया 25% जबकि अधिकतम किराया 66% तक महंगा हो गया है। दिल्ली में आपके पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिली है। कपिल मिश्रा को व्हाट्सएप पर हत्या की धमकी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी मिली है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होते ही हंगामा हो गया। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर लैंड डील कराने का आरोप लगाया। गुप्ता मसले पर चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें परमिशन नहीं दी, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें मार्शल को आदेश देकर सदन से बाहर निकलवा दिया। मंगलवार को आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम में छेड़छाड़ का दावा किया और ईवीएम टाइप मशीन की लाइव टेम्परिंग का लाइव डेमो दिखाया। सौरभ ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कपिल मिश्रा के बाद अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर चंदे में गड़बड़ी का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर हवाला के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया। तिवारी ने आपकी मान्यता रद्द करने की भी मांग की। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई करेगा। जस्टिस संगीता चंद्र की कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएन कर्णन पर बड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस को 6 माह कारावास की सजा सुनाई है और इसके साथ ही कोर्ट ने उनके बयानों के मीडिया में आने पर भी रोक लगाई है। तेईस साल के ग्रेमी विनर सिंगर जस्टिन बीबर आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पर्पज वर्ल्ड टूर में अपना जादू बिखेरेंगे। जस्टिन मुंबई पहुंच गए हैं। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जस्टिन के का शो 8 बजे होगा। सहारनपुर में हिंसा के मामले पर समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है और हिंसा मामले में एसपी सिटी संजय सिंह और एसपी देहात रफीक अहमद को हटा दिया गया है, जबकि बलवर प्रताप सिंह सहारनपुर के नए एसपी सिटी बनाए गए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। राज्यपाल राम नाईक ने रिलीज की डॉक्यूमेंट्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर रहे। सीएम ने सबसे पहले गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। सीएम योगी मेरठ में शेरगढ़ी मलिन बस्ती पहुंचे। सीएम योगी शेरगढ़ी मलिन बस्ती का निरीक्षण करने पहुंचे। मलिन बस्ती में सीएम ने लोगों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। पीएम मोदी विश्व के लिए आदर्श नेता हैं। समाज के आखिरी पायदान तक सभी योजनाएं पहुंचेंगी। किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा। सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं, लोगों को हक भी मिलना चाहिए। मेरठ में सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना तभी साकार होगा जब जाति, मत और मजहब से आगे बढ़कर सोचना होगा। यूपी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी। जिससे समाज का विभाजन हुआ, उस तुष्टिकरण के लिए कोई जगह नहीं। हमें अगर अच्छा और उज्जवल भविष्य चाहिए, अगर इस देश की आजादी को क्षुण्य बनाए रखना है, तो हमें विकास और सुशासन पर ध्यान देना होगा। और विकास और सुशासन पर ध्यान देने के लिए आवश्यक है कि हम जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके देश के विकास के बारे में सोचें। मेरठ में सीएम योगी के दौरे के दौरान हंगामा हुआ। अम्बेडकर की मूर्ति पर सीएम के मल्यार्पण न करने पर गुस्साए दलितों ने जबरदस्त हंगामा किया और तोड़फोड़ कर सड़क पर जाम लगा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक और फतवे पर टिप्पणी की, जिसमें कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पति ऐसे तरीके से तलाक नहीं दे सकता। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जन सहयोग केंद्र में 11 बजे से 1 बजे तक अलग अलग शहरों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और साथ ही समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।
लखनऊ में प्रदेश के सूचना मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने निर्माणाधीन सूचना भवन का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और लापरवाही बरतने पर सख्त हिदायत भी दी। मंगलवार को कानपुर के गोविंद नगर में नवनिर्मित पुल का उद्घाटन करने डिप्टी सीएम पहुंचे, जहां केशव प्रसाद मौर्य को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुल का नाम शहीद कैप्टन आयुष यादव के नाम पर रखा गया। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और अपने बच्चों के साथ झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक किले पहुंचे। इस दौरान किले में पूर्व सीएम के परिवार को स्थानीय गाइडों ने सभी स्थानों को घुमाते हुए इसकी जानकारी दी। लखनऊ में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कहा कि 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग से संबंधित मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योग कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत 50,000 लोग हिस्सा लेंगे। इसके लिए रामाबाई स्थल और स्मृति उपवन को चिन्हित किया गया है। बलिया में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी ने विकास भवन में बिजली विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी नदारद मिले और वहीं इस दौरान ऑफिस में फैली गंदगी अव्यवस्था देखकर राज्य मंत्री ने कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। मंगलवार को लखनऊ में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर राज्यपाल राम नाईक हुसैनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पूर्व अखिलेश सरकार के प्रोजेक्ट 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के संचालन में धांधली सामने आने के बाद शासन ने सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। गोरखपुर में ट्रेनी आईपीएस चारू निगम से विधायक के बदसलूकी करने के मामले पर सपा प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे ने बीजेपी विधायक पर मामला दर्ज करने की मांग की। सपा प्रवक्ता ने कहा कि सीएम के जनपद में महिला पुलिस अधिकारी से बदसलूकी होना बहुत शर्मनाक है। अमरोह में फास्ट्रैक कोर्ट के आदेश पर मकान खाली कराने पहुंची पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला को जबरदस्ती खींचते हुए घर से बाहर निकाला और वहीं इस दौरान रोता बिलखता एक बच्चा पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस ने बच्चे की एक न सुनी। मुरादाबाद में बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प के मामले में समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है और पुलिस ने 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार करते हुए बजरंग दल के आधा दर्जन कार्यकर्ताओं समेत 40 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। महोबा में जेसीबी मशीन से हनुमान मंदिर तोड़े जाने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया, जबकि इस बीच जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन ने मामले पर 24 घंटे में कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। संभल के मिठोली गांव में चेकिंग के लिए पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की, जिसमें एसडीओ देहात और लाइनमैन घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीओ सिटी ने कर्मचारियों को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया। शाहजहांपुर के सिसोरी गांव में 4 दिन से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिजनों ने जमीनी रंजिश में हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ के रामघाट रोड इलाके में प्रेमी की दुकान पर छीना झपटी के दौरान गोली लगने से प्रेमिका की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया है और आरोपी के कब्जे से पिस्टल और खून से सनी शर्ट बरामद की गई। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में पेपर मिल में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं पुलिस और मिल मालिक ने मौके पर पहुंचकर मजदूर के शव को निकलवाया और मुआवजे की मांग पर हंगामा कर रहे मजदूरों के परिजनों को 10 लाख रूपये मुआवजा देने की बात कही। हरदोई के खेतवी गांव के पास बुलेरो और स्कूल बस की टक्कर में बुलेरो के ड्राइवर और एक पत्रकार की मौत हो गई, जबकि एक बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदोई के थाना टड़ियावा में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने एक गरीब के मकान में आग लगा दी, जिससे पीड़िता की सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई और उसकी बेटी गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के गोमती नगर के हुसरत चौराहे पर बने पेट्रोल पंप पर आपूर्ति विभाग ने छापेमारी की और गड़बड़ी मिलने पर 5 मशीनों को सील कर दिया गया। छापेमारी के दौरान तेल कंपनी और बाट माप विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अमेठी में बेखौफ झोलाझाप डॉक्टर बड़ी बड़ी दुकानें खोलकर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और हाथ पर हाथ धरे बैठा है। गाजियाबाद के गनावनी इलाके में बने मकानों को जीटीए ने अवैध निर्माण करार देते हुए तुड़वा दिया और इस दौरान कई लोगों ने खुद को घर में बंद कर लिया, लेकिन जीटीए उन्हें घर से निकालकर घरों को तुड़वा दिया। वहीं बिल्डरों का आरोप है कि जीटीए अधिकारी कृषि की जमीन को रेजिडेंशियल बनाने के लिए 2.5 करोड़ रूपये की रिश्वत ले चुके हैं। फैजाबाद में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नगर पालिका ने बढ़ाई गई दुकानों को तोड़कर सड़कें चौड़ी की।
कन्नौजी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में चेकिंग के दौरान परीक्षकों को कई कॉपियों में 500 के नोट चिपके मिले, तो वहीं उनमें से एक परीक्षार्थी ने कॉपी में गरीबी के हवाले देकर पीएम मोदी से पास कराने की अपील कर डाली। हरदोई की तेजतर्रार डीएम साहिबा ने अपनी कार्यशैली से आम जनता का दिल जीत लिया है। उन्होंने पहले फरियादियों से लापरवाही दिखाने वाले तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई और अब जिस पीड़िता को काफी समय से इंसाफ नहीं मिल रहा था उसे कार्रवाई का भरोसा दिया। फरुखाबाद के लोहिया अस्पताल में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने एक बेटे को जन्म दिया। मोहम्मदाबाद कोतवाली इलाके के गांव में नाबालिग किशोरी से रिश्ते के भाई ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ता की बेटी ने बड़ा खुलासा किया है। उसका आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने उसे मुसलमान बनाने के लिए अपहरण किया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया, साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने की भी कोशिश की। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली के जोला गांव में दबंगों ने एक 12 साल की नाबालिग के घर में घुसकर उसका अपहरण कर लिया और वहीं इस घटना से पीड़ित परिवार दहशत में। फिलहाल सीओ ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वाराणसी में अश्लील कोचिंग संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर छात्र ने अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ एक 55 साल के अधेड़ ने दुष्कर्म की कोशिश की। वहीं पीड़िता के पिता का आरोप है कि जब वो पुलिस के पास मामले की शिकायत करने पहुंचा तो दरोगा ने आरोपी पर कार्रवाई के बजाय उसके साथ ही उल्टा मारपीट कर दी। लखनऊ में पारा इलाके में रिटायर्ड फौजी की दो बेटियों का गला काटकर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। आरोप दरअसल प्रेमी पर ही लग रहा है। कानपुर देहात के भवरपुर इलाके में ट्यूबवेल किसान की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक किसान के परिजनों ने जमीनी रंजिश में हत्या करने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शामली के गांव रोटर में सन की पति ने मामूली विवाद के चलते ससुराल में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना इलाके में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि किसान कई सालों से आलू की खेती कर रहा था लेकिन फसल अच्छी न होने से किसान शाहूकारों के कर्ज में डूब गया था। आगरा के अब्बास नगर में घर के बाहर खेल रहे 4 साल के मासूम की कार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बलिया में बेकाबू पिकअप ने कई लोगों को रौंद दिया और इस हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। कन्नौज में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला मामला गुड़साहेबगंज कोतवाली इलाके में शादी से लौट रहे बोलेरो गाड़ी के ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ, तो वहीं दूसरा हादसा सदर कोतवाली इलाके में ट्रैक्टर डीसीएम गाड़ी से टकराने से हुआ। चित्रकूट के मऊ थाना इलाके में एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा बाइक की ट्रक की चपेट में आने से हुआ। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। अमरोहा के कोतवाली हसनपुर इलाके के रहरा रोड पर दूध के बेकाबू टैंकर ने 2 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वाहन सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। महाराजगंज में पनियारा इलाके के चौरी चौराहे पर खड़े एक शख्स के ऊपर मैजिक गाड़ी पलट गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आगरा में रेलवे ट्रैक के पास एक छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गोरखपुर में आंधी का कहर देखने को मिला, जहां कोतवाली थाना इलाके के जिला अस्पताल परिसर में पुराना अशोक और पीपल का पेड़ आंधी में दीवार पर गिर गया जिससे दीवार के नीचे सो रहे एक शख्स की मौत हो गई। शाहजहांपुर में सड़क निर्माण कर रहे मजदूरों ने खोलता हुआ कोलतार 2 बाइक सवारों पर फेंक दिया जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं परिजनों ने कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कासगंज के फतेहपुर गांव की महिला को उसके परिवार के लोगों ने जमीनी विवाद में जमकर पीटा। आरोप है कि पीड़ित के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें भी की गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बनकटी बीच में तनाव सिपाही की मौत हो गई। वनकर्मियों ने बताया कि बाघ या बाघी ने हमला किया था। फिलहाल प्रशासन ने इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
वाराणसी में चलती एम्बुलेंस में आग लग गई। वहीं आनन फानन में ड्राइवर ने मौके से कूदकर अपनी जान बचाई। एम्बुलेंस में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मैनपुर में एक बिस्किट और नमकीन के गोदाम में भीषण आग लगी, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग के करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हापुड़ की धनौरा तहसील में चोरों ने बाबा सीताराम ट्रेडिंग कंपनी किराने की दुकान को निशाना बनाया और लाखों का माल पार कर ले गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी है। चित्रकूट के भगवतपुर गांव में डकैतों के गिरोह ने शादी के घर में हमला कर दिया और हमला का विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी। वारदात के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने डकैतों को दबोच लिया और पीट पीट कर एक डकैत की हत्या भी कर दी। अम्बेडकर के टांडा तहसील में मेहरोत्रा पेट्रोल पंप पर जांच के दौरान 5 मशीनों पर घटतौली मिली, जिस पर अधिकारियों ने मशीनों को सीज कर दिया। सिद्धार्थनगर में खाद्य विभाग ने मिठाइयों और मिलावटी खोए की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए कई दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान दुकानों में मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में सीईओ के रवैये से बायर्स परेशान हो रहे हैं और बायर्स को इंतजार करा रहे हैं। वहीं बायर्स की अथॉरिटी के अधिकारियों से झड़प हो गई और बायर्स का आरोप है कि अधिकारी दावा तो करते हैं लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता। हमीरपुर में सफाई कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर नगरपालिका के मैदान में प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सफाई कर्मियों की यूनिफॉर्म शासन की ओर से भेजी जाती है लेकिन ये ड्रेस उन तक नहीं पहुंचती है। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी ने अवैध रूप से संचालित हो रहे 352 स्कूलों पर अपना चाबुक चलाया और उन पर मुकदमा दर्ज कराने का फरमान जारी किया। बस्ती में बीती रात आई आंधी से लोगों के घरों के छप्पड़ गिर गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई और पेड़ गिरने से कई रास्ते जाम हो गए, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है, जिस पर विभाग समस्याओं को सुलझाने में लगा हुआ है। हरदोई के युवा और सामाजिक संगठनों की ओर से शहीदों के परिवार वालों की सहायता के लिए जय जवान जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत सेना के बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने की अपील की गई। मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई, जहां गौशाला बनाने के लिए मुस्लिम युवक ने अपनी लाखों की जमीन का दान कर दिया। लखनऊ में खरीफ की फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि भवन में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के किसानों, कृषि उत्पादकों और वैज्ञानिकों से चर्चा की। कौशाम्बी में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। जिले के चौयार वन रेंज में अज्ञात कारणों से 7 मोरों की मौत हो गई, जबकि एक मोर का इलाज चल रहा है। पिछले एक महीने के भीतर एक दर्जन से अधिक मोरों की मौतें हो चुकी हैं। राजधानी लखनऊ में तापमान बढ़ता जा रहा है और करीब 40 डिग्री से पार हो गया है। लोगों को गर्मी से काफी परेशानी हो रही है। गर्मी से उत्तर भारत बेहाल है, वाराणसी में भी गर्मी से बुरा हाल है। पिछले 2 दिनों से तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि अब लू की मार शुरू हो चुकी है। इलाहाबाद में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। पिछले 2 दिनों से गर्मी ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां पारा 44 डिग्री के पार है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। पिछले 2 दिनों से गर्मी ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले दिनों से पारा 40 डिग्री के पार है। मंगलवार को देहरादून के आईएसबीटी के मुख्य द्वार पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उनकी चर्चा देश में नहीं विदेश में भी होती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह खाद्यान्न को महंगा किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य खाद्य योजना शुरू की और हर परिवार को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराया था, लेकिन नई सरकार ने आते ही आम जनता पर महंगाई का बोझ डालना शुरू कर दिया है। चार धामों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों को उड़ान भरने का मौका मिले। केदारनाथ के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो गई है। मंगलवार को यात्रा के पहले दिन 5 हेली कंपनियों ने उड़ानें भरी और 357 श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन कराए गए। प्रदेश में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने मेट्रो की योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की योजना अब रंग लाई। इन दिनों प्रोजेक्ट की डीपीआर पर काम चल रहा है, जो 4 महीने में पूरा हो जाएगा।
खटीमा के कोतवाली में बीजेपी नेता देवेंद्र चंद पर महिला ने रेप की कोशिश और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई थी, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया। खटीमा के प्रतापपुर गांव की मनमीत उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 4 गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। वो भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहती हैं, लेकिन खेल स्टेडियम न होने के चलते उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। यूपीसीएल के कर्मचारी निगम की जमीन पर कब्जा कर रखा है और कारोबार कर रहे हैं, जिसका खुलासा एमडी बीसी के मिश्रा ने छापेमारी के दौरान किया। विकासनगर के विकासखंड कालसी के कार्यालय में लापरवाही बढ़ती जा रही है। यहां की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। लगभग 20 कर्मचारियों का स्टाफ होने के बावजूद यहां हर समय कर्मचारी नदारद रहते हैं। श्रीनगर के भुगानी रोड पर महिलाएं खुल रही शराब की दुकान का विरोध कर रही है। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान खुलने से गांव का माहौल खराब हो रहा है। सलमान खान अब गामा पहलवान पर टीवी सीरीज बनाने जा रहे हैं। सीरीज का पायलट एपिसोड भी शूट कर लिया गया है और एक टीवी चैनल को भेजा गया है। सोहेल इस सीरीज में गामा पहलवान की भूमिका निभाएंगे। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2017 में कोंकणा सेन शर्मा को 2 अवार्ड दिए गए। कोंकणा को फिल्म अ डेथ इन द गंज के लिए बेस्ट डायरेक्टर और लिपस्टिक अंडर माय बुर्का के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। जस्टिन बीबर मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज 25 डांसर्स की टीम के साथ स्टेज पर 90 मिनट तक परफॉर्म करेंगे। शो में वो पर्पज नाम की एल्बम के गानों पर परफॉर्म करेंगे। सलमान के बॉडीगार्ड शेरा ने स्टेडियम में सुरक्षा संबंधी सभी इंतजामों का जायजा लिया। अक्षय कुमार हाल ही में अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के बारे में बताने के लिए नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। अक्षय ने इस बारे में ट्वीट कर लिखा कि फिल्म का नाम सुनते ही मोदी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रितेश देशमुख, विवेक ओबराय और रिया चक्रवर्ती की फिल्म बैंक चोर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बम्पी द्वारा डायरेक्ट हुई बैंक चोर 12 जून को रिलीज होगी। एक्टर प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा बंगाली मराठी मिक्स भाषा की फिल्म नालिनी बनाने जा रही हैं, जिसे हिंदी में भी डब किया जाएगा। इस रोमांटिक फिल्म में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के रियल लाइफ रोमांस की कहानी होगी। हुमा कुरैशी और साकिब सलीम स्टारर साल की पहली हॉरर फिल्म दोबारा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। दोबारा में हुमा और साकिब के अलावा रिया चक्रवर्ती, आदिल हुसैन और लीसा रे भी हैं। फिरवाल रमन द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म 2 जून 2017 को रिलीज होगी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक शेखर कपूर महान अभिनेता और मार्शल आर्ट विशेषज्ञ ब्रूस ली के जीवन पर आधारित फिल्म को निर्देशित करने जा रहे हैं।